इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक धमाकेदार सेल के बारे में जिसमें आप जीत सकते हो एक रुपए में एक ब्रांड न्यू आईफोन 14। विश्वास नहीं हो रहा ना? होगा, ये वीडियो देखते रहना बस। टोयोटा ने कुछ समय पहले इनोवा के एक हाइब्रिड वेरिएंट को लॉन्च किया था जिसका नाम है इनोवा हाईक्रॉस। वैसे तो इस गाड़ी का कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, ये इकलौती है अपनी सेगमेंट में, लेकिन फिर भी हम सिटिंग ऑप्शंस के हिसाब से बात करें तो कहीं ना कहीं XUV700 और सफारी जैसी गाड़ियां इसको कॉम्पिटिशन दे देती हैं। हालांकि इनोवा हाईक्रॉस XUV700 से ज़्यादा महंगी है, मेरा मतलब है कि हाईक्रॉस का टॉप वेरियंट XUV700 के टॉप वेरिएंट से लगभग 4-5 लाख रुपए महंगा आता है, लेकिन हाईक्रॉस का VX हाइब्रिड वेरिएंट 7 सीटर और 8 सीटर में एक्सशोरूम प्राइसेस के हिसाब से लगभग 24-25 लाख रुपए का मिलता है, और XUV700 का भी टॉप वेरिएंट AX7 लग्जरी ऑटोमेटिक डीजल इंजन में भी लगभग इतने ही बजट का मिलता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 9 कारण देने वाला हूँ कि आपको क्यों XUV700 को इग्नोर करके इनोवा हाईक्रॉस को प्रेफर करना चाहिए। सबसे पहला रीजन है कैबिन स्पेस। मुझे नहीं लगता शायद ही आप में से कोई ऐसा होगा जो इनोवा के अंदर नहीं बैठा होगा या इनोवा को अंदर से देखा नहीं होगा, लेकिन आप में से कुछ ऐसे जरूर होंगे जो XUV700 को अंदर से ना देखे होंगे और ना ही कभी बैठे होंगे। XUV700 की थर्ड रो किसी काम की नहीं है, वो स्ट्रिक्टली बच्चों के लिए बनी है, वहाँ पर कोई एडल्ट तो बैठ ही नहीं सकता, और अगर बच्चे की भी हाइट ज़्यादा है तो वो भी वहाँ पर कंफर्टेबली नहीं बैठ सकता। इसलिए XUV कोई ट्रू 7 सीटर नहीं है, इसे 5+2 कहा जाए या फिर 5 सीटर भी कह दिया जाए तो भी गलत नहीं होगा। वहीं अगर मैं इनोवा हाईक्रॉस की बात करूं तो इसकी फर्स्ट रो और सेकंड रो के साथ साथ आप थर्ड रो को भी प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो। फिर मैं चाहे बात करूं हेड रूम की, लेग रूम की या शोल्डर रूम की, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसकी थर्ड रो पर 1 नहीं 2 नहीं 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। हालांकि वो बात अलग है, अगर तीनों काफ़ी लंबे रूट के लिए बैठे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं शोल्डर रूम की दिक्कत आने लगेगी, लेकिन 2 लोग तो बॉस आराम से लंबे रूट पर भी कंफर्टेबली बैठ कर जा सकते हैं, आराम से फैल फाल के। ऑन पेपर डायमेंशंस को भी कंपेयर करके देख लेते हैं तो आप देख सकते हो कि हाईक्रॉस की लेंथ 60 mm ज़्यादा है XUV से, हालांकि विड्थ चौड़ाई जो है वो 45 mm कम है, लेकिन हाइट 40 mm ज़्यादा है और व्हील बेस तो 100 mm ज़्यादा है। इसलिए अगर 7 एडल्ट कंफर्टेबली ट्रेवल करना चाहते हैं लॉन्ग रूट पर तो हाईक्रॉस लाख गुना बेहतर ऑप्शन है XUV700 से। सेकंड रीजन है प्रैक्टिकलिटी। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आप एक नया आईफोन 14 कैसे जीत सकते हो। इसके पीछे का सीक्रेट है आपकी खुद की ही क्रिकेट की नॉलेज। असल में 31 मार्च से इंडिया T20 लीग शुरू होने वाला है जिसका पहला मैच गुजरात और चेन्नई के बीच में है। इस मैच के होने के पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से My11Circle ऐप को डाउनलोड करना है और अपनी टीम बनानी है। इस मैच में एक गिव अवे कॉन्टेस्ट होने वाला है जिसकी एंट्री फीस सिर्फ 1 रुपए है, और इसमें आप जीत सकते हैं एक नया आईफोन 14। ये कॉन्टेस्ट सिर्फ 31 मार्च के लिए वैलिड है और ये सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है, मेरी दी गई लिंक से ही एक्टिवेट होगा। इसके अलावा इस टूर्नामेंट में होने वाले हर किसी मैच में एक मेगा कॉन्टेस्ट भी होता है जिसको ज्वाइन करके आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो सेकंड प्राइज में। अब आप सोचिए कि सेकंड प्राइज इतना बड़ा है तो फर्स्ट प्राइज कितना बड़ा होगा। अगर आप ये वीडियो मैच के बाद भी देख रहे हो तब भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से My11Circle ऐप को डाउनलोड करके टीम बनाना मत भूलना, क्या पता अगले मैच में जीत जाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है, अगर आप इस लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करते हैं और मेरा कूपन कोड ASY20 यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 20% कैश मिलता है और साथ ही में 1500 रुपए का बोनस भी। तो अभी के भी My11Circle ऐप को डाउनलोड करिए और 31 मार्च को होने वाले मैच में अपनी टीम बनाइए। सेकंड रीजन है प्रैक्टिकलिटी। कैबिन में स्पेस तो मिल जाती है, लेकिन स्पेस को किस तरह से यूज किया गया है, क्या क्या सुख साधन मिल जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस गाड़ी की फर्स्ट रो तो जैसी होती है वैसी है, सेकंड रो में आपको 2 तरह के सिटिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक है बेंच सीट मतलब कि 8 सीटर हाईक्रॉस, और दूसरा है कैप्टन सीट्स मतलब कि 7 सीटर हाईक्रॉस। इन दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन खरीदते हो तो मिडिल रो में मिलने वाली सीट को आप आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हो, इसके बैक रेस्ट को आगे पीछे अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जबकि ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको XUV700 में नहीं मिलता। इतना ही नहीं, इस गाड़ी की थर्ड रो तक पहुंचना भी काफी आसान है। सेकंड रो में जो सीट्स दी गई उन्हें स्लाइड करके आगे कर लेना होता है, उसके बाद इतनी पर्याप्त जगह निकल आती है कि आप बिना कहीं टकराए एक बार में कंफर्टेबली थर्ड रो तक जा सकते हो। हाँ, वो बात अलग है, अगर आपका शरीर अदरक की तरह फैला हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका पिछवाड़ा टकरा सकता है। इसकी थर्ड रो में भी 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं और तीनों ही हाइट एडजस्टेबल है, मतलब कि यहाँ पर अगर 3 लोग बैठते भी हैं तो तीनों को ही अच्छा कंफर्ट मिलेगा। इतना ही नहीं, इसकी थर्ड रो में जो सीट्स दी गई हैं उसके बैकरेस्ट को आप मल्टीपल एंगल पे सेट करके अपने कंफर्ट को और इम्प्रूव कर सकते हो, जबकि अगर हम XUV700 की बात करें तो उसकी थर्ड रो में जो सीट दी गई हैं उनके बैकरेस्ट को आप थोड़ा सा पीछे ले जा सकते हो, लेकिन पीछे ले जाने के बाद भी आपके कम्फर्ट पर कोई भी असर नहीं पड़ता, वो अनकम्फर्टेबल की अनकम्फर्टेबल ही रहती है बॉस।
तो कुल मिलाकर हाईक्रॉस की सेकंड रो और थर्ड रो की सीट्स को आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जबकि एक्सयूवी 700 में ऐसा कुछ नहीं है, या फिर कहूं है भी तो बहुत लिमिटेड। तीसरा रीजन है कंफर्ट, मतलब कि स्पेस है चलो ठीक है, लेकिन सीट्स की कुशनिंग कैसी है, सस्पेंशन कैसा है, पोर्ट होल्स पर ये किस तरह से रिस्पॉन्स देती है, तो इन सारी चीज़ों में भी इनोवा हाईक्रॉस एक्सयूवी 700 को पीछे छोड़ देती है। मैं अगर आपको इसके कंफर्ट का एक रफ अंदाजा दूं तो इनोवा क्रिस्टा में तो आप लोग बैठे ही होंगे, ये हाईक्रॉस इनोवा क्रिस्टा से भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो आप खुद समझ सकते हो कि एक्सयूवी 700 कंफर्ट के मामले में हाईक्रॉस की बराबरी तो बॉस नहीं कर सकती। हालांकि मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक्सयूवी 700 अनकंफर्टेबल है, वो गाड़ी भी अपने पोजीशन पर काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड करती है, लेकिन कंपैरेटिवली देखें तो हाईक्रॉस बेहतर है। चौथा रीज़न है कि इनोवा हाईक्रॉस पेट्रोल प्लस हाइब्रिड है, ये तो आप जानते ही हो, और यही इसका पॉजिटिव है, मतलब कि पेट्रोल इंजन होने की वजह से इंजन नॉइस काफ़ी कम है। नॉइस तो कम है ही, और साथ ही में इस गाड़ी का NVH लेवल भी काफ़ी तगड़ा है। केबिन के अंदर बिल्कुल नॉइज़ नहीं आती है बाहर की किसी भी चीज़ की, इंजन की, टायर की, हवा की, एकदम साइलेंट केबिन, और यही साइलेंस आपको प्रीमियम फील देता है। इस गाड़ी की किसी भी सीट पर आप आराम से फैल जाओ जगह, तो भाई शांतिपूर्वक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह कब पहुंच जाओगे पता ही नहीं चलता। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इसमें पेट्रोल इंजन है तो किसी ना किसी कंडीशन में ये आपको अंडर पावर्ड लगेगा। कहीं भी आप जाओगे, कहीं भी आप चलाओगे, पूरे पैसेंजर्स फुल करके चलाओगे, ये आपको अंडर पावर वाली फीलिंग नहीं देगा। एक्सयूवी 700 का केबिन भी काफ़ी साइलेंट है, लेकिन डीजल इंजन चाहे कितना भी रिफाइंड क्यों ना हो, पेट्रोल से तो ज़्यादा नॉइस क्रिएट करता ही है। पांचवा रीज़न है कि 20 से 30 लाख रुपए के बजट में आप कोई भी 7-सीटर SUV उठाकर देख लो, आपको बूट स्पेस के नाम पर लॉ मतलब कुछ भी नहीं मिलता। थोड़ा बहुत ठीक ठाक सामान रखने के लिए भी चाहते ना चाहते हुए आपको थर्ड रो की सीट्स को फोल्ड करना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम इनोवा हाईक्रॉस की बात करें तो इस गाड़ी में 7 से 8 लोग बैठने के बाद भी इतनी स्पेस बच जाती है कि आप ठीक ठाक सामान वहाँ पर बूट स्पेस में रख सकते हो। सिक्स्थ रीज़न है माइलेज। हाईक्रॉस में आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी में 21.1 KMPL का बेहतरीन माइलेज क्लेम किया जाता है। रियल वर्ल्ड में सिटी ड्राइविंग कंडीशंस में ये गाड़ी लगभग 17-17.5 के आसपास माइलेज निकाल देती है। हालांकि माइलेज काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है, अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस को मानकर चलूं तो 17-17.5 ये प्यार मोहब्बत से दे देती है। वहीं अगर मैं एक्सयूवी 700 के डीजल इंजन की बात करूं तो उसमें 17 KMPL के आसपास माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि रियल वर्ल्ड में सिटी ड्राइविंग कंडीशंस में 14 या 15 के आसपास निकाल देती है। सेवंथ रीज़न है, वैसे तो दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको काफ़ी स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस देते हैं, लेकिन अगर मैं कंपेयर करके देखूं तो इनोवा हाईक्रॉस में आपको CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी मिलती है, जो कि एक्सयूवी 700 में मिलने वाली टॉर्क कन्वर्टर टेक्नोलॉजी से बेहतर स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है। एट्थ रीज़न है लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। टोयोटा की चाहे कोई भी गाड़ी हो, उसकी रिलायबिलिटी को लेकर हम शक तो कर ही नहीं सकते। टोयोटा के ही इंजन्स हैं जो लाखों किलोमीटर चलने के बाद भी एकदम नए जैसे रखे रहते हैं, और सिर्फ इंजन ही नहीं, इनकी गाड़ी में बाकी सारी चीज़ें भी एकदम मेंटेन्ड रहती हैं। टोयोटा ब्रांड की जो USP है वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन अगर देखा जाए तो एक्सयूवी 700 में काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं, और आप लोग जानते हो कि चीज़ें जितनी ज़्यादा ऑटोमेटिक होती हैं एक समय के बाद, एक एज के बाद कहीं ना कहीं ख़राब होने लगती हैं एक एक करके। मैं ऐसा नहीं कहता कि गाड़ी खरीदते से ही 2-3 साल में कुछ ना कुछ ख़राब होना शुरू हो जाता है, भाई गाड़ी है, ब्रांड है, कोई लोकल कंपनी थोड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं फुल स्टॉप या कॉमा लगना तो शुरू हो ही जाता है बॉस। इसके अलावा हाईक्रॉस एक पेट्रोल गाड़ी है। अगर आप दिल्ली NCR रीजन में रहते हो तो आपको एक और एक्स्ट्रा फायदा हो जाता है, अगर आप 10 साल अपनी हाईक्रॉस चलाने के बाद इसे बेचने भी जाते हो तो आपको अच्छी खासी रीसेल वैल्यू मिल सकती है। लेकिन ये किस्सा एक्सयूवी 700 के साथ नहीं है। अगर आप 700 का डीजल इंजन खरीदते हो तो उसकी टोटल उम्र ही 10 साल है दिल्ली NCR रीजन में, और अगर आप पेट्रोल इंजन खरीदते हो तो आपको माइलेज इतना बेकार मिलेगा कि आपका मूड वैसे ही खराब हो जाएगा। सिंगल फिगर में एक्सयूवी 700 पेट्रोल माइलेज निकालती है सिटी ड्राइविंग कंडीशंस में। नाइन्थ रीजन है, कहने को तो हम एक्सयूवी 700 के टॉप वेरियंट को कंपेयर कर रहे हैं हाईक्रॉस के मिड वेरियंट से, लेकिन इसके बावजूद भी 6 ऐसे फीचर्स हैं जो आपको हाईक्रॉस के मिड वेरियंट में मिल जाते हैं लेकिन एक्सयूवी 700 के टॉप वेरियंट में नहीं मिल पाते। ऑटो डिम, IRVM, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, एम्बियंट लाइटिंग, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, हाईक्रॉस की चारों विंडोज में आपको वन टच अप एंड डाउन फीचर मिल जाता है, जबकि 700 की सिर्फ ड्राइवर विंडो में मिल पाता है। इसके अलावा जिन लोगों को अपनी कार को बार बनाने का शौक है उनके लिए एक काफी यूजफुल फीचर मिल जाता है हाईक्रॉस में,
आगे की रो में, आगे की रो में जो एयर वेंट्स दिए गए हैं उनके पहले आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, इसलिए आप अपना जो कुछ भी सामान ठंडा बनाए रखना चाहते हैं तब तक जब तक आप उसे ख़त्म ना कर लें तो आप उस कप होल्डर में उसको रख दीजिए, वो ठंडा बना रहेगा। अब समझ तो गई हो यार। तो मोटे मोटे ये 9 रीजंस थे जिनकी वजह से आपको XUV700 को इग्नोर करके इनोवा हाईक्रॉस को खरीदना चाहिए। इन रीजंस के अलावा भी अगर आपके पास कोई रीजन है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। iPhone 14 जीतने के लिए My 11 Circle ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से ही डाउनलोड करिएगा। सेकंड प्राइस में आप जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपीस और फर्स्ट प्राइस के तो क्या ही कह रहे हैं। पहले डिपॉजिट पर आपको मिलता है एक्स्ट्रा 20% कैश और 1500 रुपए का ज्वाइनिंग बोनस। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही, अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।